देख सकते हैं ये भैया जी और मैं इस पेड़ पे जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इस पेड़ पे जाने का, मतलब ये पेड़ का बहुत महत्व है इस जगह लोकेशन पे। लोग पूछते हैं इस पेड़ को, रीजन है क्योंकि यहीं पे सिर्फ सिग्नल आते हैं इंटरनेट के और कॉलिंग के, वरना पूरी कई सी लोकेशन में सिग्नल नहीं आते। तो इसलिए हम बार बार इस लोकेशन पे आते हैं अपने मैसेजेस चेक करने और कॉल चेक करने। जय पेड़ वाले बाबा, हाथ जोड़ो, आवाज गूंज रही है। तो भैया जी अभी फिलहाल हम लोग इस पहाड़ पे, मतलब थोड़ा सा छोटा सा पहाड़ है वहाँ पे बैठे हुए थे। सीन ये है कि यहाँ पे ना नेटवर्क मतलब बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ पे आगे थोड़ा इंस्टा स्टोरी डाल दिया, मतलब समझ रहे ना वो गाने वो वाले पहाड़ वाले क्या बोलते हैं उसको, कौन से वाले गाने होते हैं कहीं दूर, वैसे वाले गाने। तो वैसे वाले गाने डाल के बस अभी टाइम लैप्स थोड़ा बहुत लिया वो भी लेके अब हम जाएंगे सीधे यहाँ से चढ़ते हुए वो ऊपर टॉप पे जो वो दिख नहीं रहा है। तो ये हमारा होम स्टे है, यहाँ से होते हुए ऊपर यहाँ कहीं पे जाएंगे तो वहाँ जाके आपको नज़ारे दिखाते हैं। बाकी आप रास्तों को ध्यान से देखते रहिएगा, मिलते हैं आपसे। ये देखिए ये नज़ारों को कैद कर रहे हैं अपने कैमरा में ताकि आप अपने घर से बैठ के मज़े उठा सकें। जैसे आप देख सकते हैं हम पूरा एक तो वो सर्किट कर चुके हैं पूरा गोल वाला और अब हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं। हालत खराब है, सांस फूली पड़ी है बहुत ज़्यादा, बट व्यू वर्थ इट है। इस व्यू ने हमें इतनी हिम्मत बांध रखी है ना कि हमारी हालत खराब है। सामान देखिए आप, सामान भाई का पीछे घूमो और ये मेरा भी देख लीजिए कितना सामान है। तो आप सोचिए इसमें 2-3 कैमरे 5-6 लेंसेस बहुत कुछ सामान है, बट व्यू वर्थ इट, मजा आ गया। ऐसे नहीं कहते मेरा दिल पहाड़ों में खो गया। तो जैसे आप देख सकते हैं अब हम जा रहे हैं वहाँ ऊपर, वो ऊपर वाले पॉइंट पर और फिर उसके पीछे भी जाएंगे हम लोग। तो जैसा आपको बताया हम वहाँ नीचे से आ रहे हैं, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कहाँ से आ रहे हैं इसमें, इसलिए इस बार नहीं बताऊँगा, जरा हम बताऊँगा ये रास्ता दिखा रहा हूँ आपको कि हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत स्टीप है यार और थोड़ा स्लिपरी भी है क्योंकि और गाइस तो वेदर बहुत ख़राब हो गया ऊपर, हमारा प्लान था यार खुल गया देख ड्रोन उड़ाने का बट कुछ नहीं हो पाया। सो अब हम वापस नीचे जा रहे हैं, कल ट्राई करेंगे अगेन, लेट्स सी।
और ये बहुत स्लिपरी है, बहुत रिस्की है, तो ये आराम आराम से जा रहे हैं। मुझे मेरे को खुद सोच के हालत खराब हो रही है, कैसे जाएंगे यहाँ से। जल्दी पहुंचो, वहां पहुंचो। कोई नहीं, लैंड होने तो ड्रोन एकदम हवा से उस... नहीं, मैंने गलती से ये कर दिया। अब पहुंचो, वहां पहुंचो, इससे पहले कोई और आए, गायब आए। मैं सामान को देखता हूं एक बार। नीचे आने के लिए वहां चला गया और थैंक गॉड ऊपर नहीं उड़ाया भाई, क्योंकि वहां लैंड का कराते लक था कि सारा खाली प्लेन था, बच गए, नहीं तो दिक्कत हो जाती। ये स्टोरी तो शायद कैमरा वाले भैया के उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी, तो पता चलेगा आपको क्या हुआ था हमारे साथ। फिर से I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson. अगर आप स्टार्स की फोटो ले रहे हैं, ये भाई जी और आप मुझे भी देख सकते हैं, और ये देखिए लाइव जाते हुए आ रही है तो मुझे दिख नहीं रहा। ये एक कैमरा, दो कैमरा, और इसमें मैं ट्राई करता हूँ आपको शो करने का रिजल्ट। चलो लाइव फाइनली शो करेंगे, इसमें नहीं शो करता मैं आपको, आपका फेस नहीं। जैसे आप देख सकते हैं हम ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे हैं, और वो मंदिर है, और हम वहाँ कहीं बहुत दूर से आ रहे हैं मिल्की वगैरह शूट करके, पर मज़ा आ गया शूट करके। जब आप पिक्चर्स देखेंगे ना तो देखते रह जाए। एंड ये हमारा डिनर आ चुका है, ये देखो फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हम लोग उठ गए हैं, ये भाई तो सोए ही नहीं है, और हम लोगों ने इस जगह पे सारे वेदर्स देख लिए। अच्छा, तब देख सकते हो बारिश भी हो गई आज फाइनली। हाय गाइस, सो आज काफ़ी ठंड है, ये हमारे थर्ड डे है यहाँ पर, एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और हम लोगों ने आई यहाँ सारे वेदर देख लिए। जैसे जो जो हमने चाहा था वही हुआ, कल रात को मौसम खुलना चाहिए था, खुल गया, सुबह उठ के बारिश भी हो गई, एंड हम कह रहे थे हमारे बस घूमने के टाइम बारिश नहीं, और हम कल घूम चुके ऑलमोस्ट सारा, तो थैंक गॉड एवरीथिंग हैपेंड फॉर गुड। अच्छा, मैं दो तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है यहाँ के बारे में, मेरी स्टोरीज देख के इंस्टाग्राम पर, और वो पोस्ट हो रहे हैं रील्स देख के। सो मैं एक तो बता दूँ, यू शुड कम हियर, बट आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप यहाँ दोस्तों के साथ इन्जॉय करने आ रहे हैं, मतलब अलग टाइप से जैसे आप करते हैं और किसी मनाली शिमला जाके, तो यहाँ आने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे अल्कोहल और म्यूज़िक दोनों बैंड है, बिकॉज यहाँ मंदिर है,
पराशर श्री का। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ अगर ये सब करने आ रहे हो तो ना आए, अगर आपको सिर्फ घूमना है, इंजॉय करना है, वादियों के मजे लेने, तो आप आए, यहाँ आपका सब वेलकम करेंगे और हल्ला भी नहीं कर सकते आप यहाँ, क्योंकि ये सीक्रेट प्लेस है। तो प्लीज़ जो भी आए रिस्पेक्ट करिएगा इस जगह को, ध्यान रखिए। पैकिंग हो गई है, नाउ वी आर लीविंग। हम लोग मोस्ट प्रोबली पहले मंडी जाएंगे, फिर वहाँ से हमारी बस है वॉल्वो दिल्ली के लिए, तो कल मॉर्निंग में दिल्ली पहुँचेंगे। काफ़ी अच्छा स्टे रहा ये वाला, थोड़ी सी कठिनाइयाँ हर जगह होती हैं बट मज़ा आया काफ़ी। अब देखिए ये एक अलग टास्क की सीढ़ियों उतरना, और हम फाइनली वापस पहले मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, फिर वहाँ से हमारी बस है वापस मंडी के लिए। मतलब हमारी बस क्या, हमें बस देखनी है कौन सी है। एंड सेकेंडली हमारा एक और मिशन कंप्लीट हो गया, हमें जो ड्रोन शॉट लेना था हमें बहुत सही ड्रोन शॉट मिल गया फाइनली। हाँ, भगवान ने हमारा इतना साथ दिया ना इस ट्रिप पे, जो चाहिए था सब कुछ होता जा रहा है। हमें तो बच्चे की तरह लात कर एक कंधे पे, और बस हमें सामने दिखी रही है तो हमारा सॉर्टेड सीन है। अरे उनसे बस बैग रख देते हैं, कहते हैं हम भी बाहर खड़े। यहाँ कोई प्रॉपर होम स्टेज वगैरह नहीं है, मेनली कैंपिंग है, और आपको कुछ जगह रूम्स मिल सकते हैं और कॉमन वॉशरूम्स हैं पूरे प्रेमिसेस के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, अगर आप लग्जरी सोच रहे हैं तो भूल जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे। आप खाइए एकदम लोकल की तरह रहिए जैसे सब लोग रहते हैं, और इन्जॉय करिए बस। चलिए ये 3 मिनट बहुत ही, और अगर कुछ और पूछना हो आपको तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और बाकी मैं हूँ ही अवेलेबल इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो बस मिलते हैं आपसे। देखिए इस भाई को कैसे परेशान आत्मा की तरह बैठे हैं, नींद से डूबे हुए, आँखें देखिए इनकी आँखें कैसी बड़ी हो रखी है, हालत देखिए, वर्क इस वर्षे बोल रहे हैं सामने, और कह रहे हैं नो स्मोकिंग भी। डे आएगी 1 घंटे बाद, और ऑलरेडी हमें हो चुका है 1.5 घंटा वेट करते हुए। ये है मंडी का बस स्टॉप ISBT।